हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी करने को है और अभी से ही बहुत सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो बार बार मैसेज हमें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर आखिर कब तक बिहार बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, कैसे रिजल्ट चेक करेंगे। तो इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप सभी को गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और सर्च वाले आइकन पर आप सभी को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ पर सर्च कीजिएगा NEWS न्यूज SANGRAH.com, ठीक है। सिंपल से आप सबको क्या लिखना है, न्यूज संग्रह डॉट कॉम लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज संग्रह डॉट कॉम, तो सिंपल से इस प्रकार से न्यूज संग्रह डॉट कॉम लिख कर आप सबको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो देखिए सबसे ऊपर देखिएगा न्यूज संग्रह डॉट कॉम का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज संग्रह डॉट कॉम, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को। तो क्या करना है, इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। क्या करोगे, इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे और इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जैसे ही करेंगे तो ये पोस्ट आप सभी को दिखेगा, ठीक है। और इस पोस्ट में देखिए लिखा हुआ है बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2024 जारी, यहाँ से कर चेक। तो हालांकि अभी ये लिंक एक्टिव नहीं, लेकिन इसी पर क्लिक करके लाइव अपडेट प्राप्त करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ वे क्लिक करने के बाद सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया, सभी जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। रिजल्ट जारी होगा तो यहाँ पे तिथि दिखने लगेगा कि हाँ इस दिन को रिजल्ट जारी होगा और साथ में कैसे चेक करना है, इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताया गया। यहाँ पे तीन लिंक भी दिया गया जिस लिंक के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे। लिंक नंबर 1 के माध्यम से आप डायरेक्ट यानी क्या कहते हैं रिजल्ट चेक कर पाएंगे, लिंक नंबर 3 के माध्यम से आप डिविज़न चेक कर पाएंगे और लिंक नंबर 2 के माध्यम से अभी आप डेमो चेक कर पाएंगे, मतलब आपका रिजल्ट कैसे दिखेगा, कैसे चेक करना है। तो डेमो के लिए इस प्रकार से लिंक नंबर 2 पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी जानकारी को फिलअप कीजिएगा तो आपका गलत रिजल्ट शो करेगा, जो कि अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। जब तक यहाँ पे आपका डेट शो ना करे कि रिजल्ट जारी हो गया, तब तक आप सभी को इस पे लिंक नंबर 2 पे नहीं क्लिक करना है। बाकी यदि आपको जानकारी नहीं है कि कैसे रिजल्ट चेक होता है तो आप इस पर क्लिक करके और देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए। पहला, रोल कोड आपको मालूम रहना चाहिए। दूसरा, आपको रोल नंबर। तीसरा, आपको कैप्चर फिल करना आना चाहिए, मतलब कितना होता है, 14 14 जोड़कर 28 होता है। तो यहाँ पे 28,000 का और भी पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से रिजल्ट चेक होगा। हालांकि अभी आपका यह रिजल्ट चेक नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं खुद ही बता दूंगा और खुद लाइव आकर चेक भी करूँगा। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।